ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो भी अगर उसको आप टच करेंगे ना तो उसको दर्द होगा, कुछ हैवीनेस होगी थायराइड में, ठीक है। तो ये है थायराइड, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, चेस्ट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये है थाइमस, ठीक है जी। थाइमस में भी क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति को इंफेक्शन होगा बॉडी में, किसी भी प्रकार का कोई इंफेक्शन, स्टमक इंफेक्शन हो, यूरिन इंफेक्शन हो, या और कोई दूसरा इंफेक्शन हो, तो थाइमस वाले पॉइंट पे टच करते ही बहुत सीवियर पेन होगा, ये जो गड्ढा हुआ होता है यहाँ, ये गड्ढे से ऊपर जो सेंटर पॉइंट है, एग्जैक्टली ये, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों रिब्स जो है जहां से डिवाइड हो रही है, ये सेंटर पॉइंट, तो ये सेंटर पॉइंट किस चीज का था हमारा, पैनक्रियाज के लिए, ठीक है जी। और प्रेस करके हमने चेक कैसे करना है, देखिए इस तरीके से चारों फिंगर्स जो हैं वो इस तरीके से, हमने ऐसे अंगूठे से चेक नहीं करना, एक उंगली से ऐसे चेक नहीं करना, वो क्या होगा, वो पेन करेगा चेक करते टाइम, तो बहुत हल्के से प्रेशर से इस तरीके से, ठीक है। ये पैनक्रियाज, नाभि ये है इनकी, ठीक है। और नाभि और पैनक्रियाज के बीच में ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है, तीन पॉइंट दबाने, ठीक है जी, तीन पॉइंट दबाने हमने गैस के लिए। बेसिकली दबाएंगे तो आप एक ही तो भी इंसान को पेन होगा, और पेन होगा तो पता कर सकते हैं कि हाँ गैस इनको बनी हुई है, ठीक है। तो 1 2 3 गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, रिब्स जो है रिब्स के नीचे बिल्कुल एकदम, ये किस चीज का पॉइंट है हमारा, स्प्लीन, लेफ्ट हैंड साइड में तिल्ली के लिए, ये अगर आप चेक करेंगे तो ये स्प्लीन के लिए पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड रिब्स के नीचे, ठीक है जी। अब राइट साइड में अगर हम चेक करेंगे रिब्स के नीचे तो ये कौन सा पॉइंट था हमारा, गॉल ब्लैडर का, ठीक है जी। ये नाभि है इनकी, नाभि से जब हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो ये हमारा पॉइंट है सर म्यूकस का, 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3। दूसरा नाभि के अगर हम राइट हैंड साइड आएंगे तो राइट हैंड साइड तीनों पॉइंट जब चेक करेंगे तो ये होगा हमारा लीवर का, 1 2 एंड 3। मतलब हमने तीन पॉइंट ही चेक करने हैं प्रेस करके, ठीक है जी। म्यूकस और स्प्लीन के बीच में हमारा पॉइंट कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी। कॉन्स्टिपेशन अगर हम चेक करेंगे तो म्यूकस और स्प्लीन के बीच में, ठीक है। अभी अगर हम लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच में अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, डिसेंट्री, डिसेंट्री पॉइंट जब हम चेक करेंगे तो लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच में। अभी अगर नीचे की बात करें तो नाभि के बिल्कुल सीध में इधर म्यूकस, इधर लीवर, और इसके नीचे इधर ये लेफ्ट ओवरी, वो जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड चेक करना है वो ये चेक करना है, ये जो बोन है ना, बोन के ऊपर, ठीक है जी। इसीलिए उसमें देखेंगे हल्का सा ऐसे कर्व जो दिया गया है ना, वो इसीलिए दिया गया है, बोन के इनर साइड में प्रॉपर चेक करना है। ये जैसे बोन है ना, ये देखिए ये जैसे बोन है, इसके ऊपर ये चेक करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये बोन है और इस पे ये चेक करेंगे, ये फॉलिक एसिड और ये विटामिन B12, और चेक करने का जो है वो उस पे क्लॉकवाइज से है, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट टेस्टिस, लेफ्ट ओवरी लेडीज के लिए और लेफ्ट टेस्टिस जो है वो जेंट्स के लिए। इधर अगर हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट ओवरी और राइट टेस्टिस, ठीक है। नाभि के बिल्कुल नीचे, नाभि के बिल्कुल अगर हम नीचे आएंगे तो लेडीज में यूट्रस और जेंट्स में प्रोस्टेट, ठीक है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों जब हम चेक करेंगे तो बोन पे हल्का सा क्लॉकवाइज करेंगे, और अगर किसी भी इंसान को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो पेन होने लग जाएगा, अगर किसी को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो पेन होने लग जाएगा। अब इसमें हमारे दो पॉइंट जो कि अभी तक हमें नहीं पता, और दोनों साइड में आप जब देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में म्यूकस जीरो, म्यूकस के ऊपर जीरो लिखा हुआ है, ऑन बैक साइड
इधर अगर हम देखेंगे तो लीवर जीरो ऑन बैक साइड, ये जो हमारा म्यूकस जीरो और लीवर जीरो है ये किडनी के लिए पॉइंट है, जो कि बेसिकली म्यूकस जो है वो लेफ्ट किडनी के लिए और लीवर जो है वो राइट किडनी को इंडिकेट करने के लिए लिखा गया है। तो उसको हम कहां चेक करेंगे, देखिए यहां हमने फ्रंट साइड में म्यूकस चेक किया था तो म्यूकस जीरो बिल्कुल बैक साइड में, ये ठीक है जी, किडनी हमारी बैक साइड में, ठीक है। तो म्यूकस के पीछे अगर हम जाके चेक करेंगे तो म्यूकस जीरो, म्यूकस जीरो मतलब कि लेफ्ट किडनी के लिए, और अगर हम लीवर जीरो को बैक साइड में जाके चेक करेंगे तो राइट किडनी के लिए ये, और क्लॉकवाइज करके ही चेक करना है सिर्फ। जब हम चेक करेंगे तो इस तरीके से देखिए ये हमारा म्यूकस है और इधर जाके चेक करेंगे तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है जी। ये लीवर है, लीवर के बैक साइड में जाके चेक करेंगे तो ये लीवर जीरो मतलब राइट और लेफ्ट किडनी के लिए। अभी एसिड और एल्कलाइन हमने कैसे चेक करना है, तो दोनों हाथों की जो हमारी अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली कौन सी बोलते हैं हम, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली मतलब फोर्थ फिंगर, अनामिका उंगली पर अगर हम टॉप फिंगर करके चेक करेंगे, टॉप फिंगर मतलब कि हमारा भी आने वाला पॉइंट जो है वो टॉप फिंगर है, तो टॉप फिंगर करके जब हम चेक करेंगे और जिस साइड की फिंगर में पेन होगा इट मींस इंसान की बॉडी में वही बढ़ा हुआ है। और आजकल की लाइफ स्टाइल से क्या बढ़ा हुआ मिलता है, एसिड, ठीक है जी। दोनों हाथ ऐसे करो सर, ये जो दोनों उंगलियां हैं, ये जो दोनों उंगलियां हैं इनके इस वाले जॉइंट पे मतलब सेकंड जॉइंट पे अगर हम सेम प्रेशर से इस तरीके से रब करेंगे और फिर हम पूछेंगे कि कौन सी साइड पेन ज्यादा है, ठीक है, सेम प्रेशर डालेंगे, दिखाइए आप ऐसे, ये देखिए सेम प्रेशर, और फिर कंपैरिजन